हाउ टू सेट ओआरवीएम्स, ओआरवीएम्स यानी कि आउटर रेयर व्यू मिरर, ये जो अभी खुले हैं ना इन्हें कहते हैं ओआरवीएम। दो होते हैं, एक राइट में होता है एक लेफ्ट में होता है। तो इन्हें सेट कैसे किया जा सकता है? अब जिनको ओआरवीएम्स की आदत नहीं है, देखो उनके लिए कोई ऐसे गोलियां इंजेक्शन तो नहीं आता यार कि वो खिला दो लगा दो तो उनको फिर ओआरवीएम में देखने की आदत पड़ेगी। अब आदत नहीं है तो आदत डाल लो, अगर आपको लगता है कि आपके लिए अच्छी है तो कर सकते हो। अदरवाइज जिनको मिरर में देखने की आदत है वो डालना चाहते हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि कैसे आदत डालें, तो देखो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है तो आपको ये जो गाड़ी का, अगर मेरी उंगली वहाँ पे सही दिखाई दे रही है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो गाड़ी का क्वार्टर पैनल यानी पीछे का थोड़ा हिस्सा आपको दिखना चाहिए। मैं चलो एक बार उतर के भी क्लियर कर देता हूँ कि कौन से हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, इस हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी थोड़ी गंदी है बारिश की वजह से, इस हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है क्वार्टर पैनल, ये आपको इस मिरर के अंदर दिखना चाहिए, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या, क्यों दिखना चाहिए? जब मैं ड्राइविंग सीख रहा था मुझे मिरर्स की आदत नहीं थी, मैंने आदत डाली थी लगभग हो गए 5-6 साल हो गए अभी। तो मुझे जैसे मैंने नेट पे देखा कि आपको ये गाड़ी किससे दिखना ही नहीं चाहिए। अब मिरर में यार देखो वो गाड़ी आ रही है, मुझे क्या पता मेरी गाड़ी से कितना दूर है, मैं यहाँ देखूँगा तो पता लगेगा हाँ भाई मेरी और उसकी गाड़ी के बीच में इतना गैप है, सफिशियंट है, ठीक है। तो एक रेफरेंस पॉइंट लेना लिया जाता है, तो आपकी गाड़ी का जो पार्ट है ये रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। रेफरेंस पॉइंट होता है भाई ए पॉइंट से बी की दूरी कितनी है, तो वो दूरी तभी तो देखोगे ना बी की, जब कोई एक इनिशियल पॉइंट आपको मिलेगा कि भाई कहाँ से नाप रहे हो आप वो चीज़। उसी लिए ये जो गाड़ी का हिस्सा है ये आपका पॉइंट ए का काम करता है और जो दूसरी गाड़ियाँ हैं वो पॉइंट बी का काम करती है। इसलिए मिरर्स को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि दोनों साइड लगभग गाड़ी का इतना हिस्सा आपको दिखे, उस साइड भी दिख रहा है। चलो अब चला के मैं बता देता हूँ इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब मैं अपने पॉइंट को जस्टिफाई करता हूँ, ठीक है। अब मुझे मिरर में दिख रहा है कि बीच में जो ये डॉटेड लाइन है, वाइट लाइन, ये जो पट्टी जिन्हें आप बोलते हो, इनसे मेरा गाड़ी कितना अंदर है। अब चलो इसे मैं एडजस्ट करके दिखा देता हूँ कि एक बार अंदर करके, सॉरी बाहर करके, ठीक है, एकदम बाहर। अब मुझे वाइट पट्टी नहीं दिख रही, मुझे क्या पता मेरी गाड़ी रोड पे कहाँ चल रही है, नहीं दिख रही ना गाड़ी, तो कैसे पता लगाऊं कि मेरी गाड़ी और पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं कितना गैप है, मेरी गाड़ी कहाँ चल रही है। मिरर्स का यूज़ सिर्फ और सिर्फ पीछे देखने वालों के लिए नहीं किया जाता है, ये भी देखो आपकी गाड़ी रोड पे कहाँ चल रही है, अगर आगे देख के नहीं पता लगा पा रहे हो, मतलब ये उसका सेकेंडरी यूज़ मैं बता रहा हूँ। तो इसे अंदर की तरफ एडजस्ट करो, इतना हिस्सा गाड़ी का दिखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टली कि कितना अंदर बाहर ये मिरर होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये चीज़ है कि एटलीस्ट गाड़ी का इतना हिस्सा दिखना चाहिए। अब देखो, अब मुझे पता है भाई मेरी गाड़ी वाइट पट्टी के ऊपर चल रही है, तो मुझे थोड़ा सा लेफ्ट दबाने की ज़रूरत है, हालांकि कुछ आ नहीं रहा है, बट अपनी साइड में चलने की आदत डालो तो सही भी रहेगा, ठीक है। तो ये होता है, ऐसे ही लेफ्ट का होता है, आपको ये पता चल जाएगा आपके, क्योंकि फ्रंट का देख के ऑब्वियसली मैं भी नहीं बता सकता मेरा टायर कितना दूर है वाइट पट्टी से, मुझे कहाँ कितना चलाने की ज़रूरत है। अगर मिरर में देखने की मुझे आदत है तो यहाँ से देख के मैं बता सकता हूँ कि लगभग 1 या 1.5 फीट मेरी गाड़ी वाइट पट्टी से इधर है। पीछे देख के अंदाज़ा लगाना आसान होता है बजाय फ्रंट के। तो ये एक तरीका होता है ओआरवीएम्स को सेट करने का, वो कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। थोड़ा सा हिस्सा गाड़ी का दिखना चाहिए राइट में भी लेफ्ट में भी, ठीक है। अंदाज़ा होना चाहिए गाड़ी कहाँ चल रही है, जैसे मैंने बताया था वो पॉइंट्स वाला एग्जांपल देंगे, तो उससे आप ट्रैक कर सकते हो आपकी गाड़ी अभी कहाँ चल रही है और क्या स्टेटस है रोड के ऊपर। पीछे से जो व्हीकल आपको ओवरटेक करने आएगा क्या एनफ जगह है बीच में या आपको थोड़ा और दबाने की ज़रूरत है लेफ्ट में। इसलिए ये तरीका होता है ओआरवीएम्स को सेट करने का। बंद इन्हें ना रखो, इन्हें खोल के रखो। अगर गाड़ी पहले गाड़ियाँ होती थी ओल्टो ओल्टो जिनमें एक आता था, एक लगवा लेते थे एक हटा देते थे, आता भी नहीं था शायद, दो आते यूज़ करो उनका, मेरे से बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें रिवर्स करना तो और भी आसान है, मतलब जिसको आता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता उसके लिए मुश्किल। आदत डालोगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। ये तो हो गया ओआरवीएम का। अब बता देता हूँ आईआरवीएम यानी कि इंटरनल रियर व्यू मिरर, इससे निकल के बताता हूँ। और इस वीडियो के बाद मैं बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो कंटिन्यू करनी है, छोड़ना नहीं है। इस वीडियो के बाद मैं बताऊंगा कि स्पीड ब्रेकर से आप गाड़ी कैसे उतारते हो, डायगनली कैसे उतारते हो, सीधी कैसे उतारते हो, और जिससे गाड़ी की जो अंडर बॉडी है बैली होती है वो टच ना करें। देखो आईआरवीएम का
मैंने दूसरे लोग भी ऑब्जर्व किए हैं, मैं खुद को भी करता हूँ। मेरा ये मानना है जब मिरर सेट हो गए हैं साइड के, तो इसे टेढ़ा मत करो। काफ़ी लोग इसे अपनी तरफ कर लेते हैं ताकि ब्लाइंड स्पॉट्स को मिनिमाइज कर सकें। मेरा ये मानना है बिल्कुल इसे सेंटर में, आपका जो रेयर विंडशील्ड है पीछे वाला कांच जो है, ठीक इसके बीच में आना चाहिए। इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग ये तरीका है, मेरे लिए काम करता है। मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताता हूँ जो प्रैक्टिकली होती हैं और मैं यूज़ करता हूँ, आपके लिए ठीक बैठती हैं तो आप यूज़ कर सकते हो। अब रही बात ब्लाइंड स्पॉट्स की, तो देखो ऐसा होता है, आप मिरर्स को कितने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लो, कुछ ना कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं जो आपके ब्लाइंड स्पॉट में होते हैं, आपके बगल में चल रहे होंगे लेकिन आपको वो इस मिरर में दिखाई नहीं देंगे। अगर वो राइट में, मतलब राइट मिरर में आपको ओवरटेक कर रहे होंगे फिर भी आपको नहीं दिखेंगे, तो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। उसके लिए ब्लाइंड स्पॉट्स मिरर आते हैं, राउंड आते हैं, मिरर की शेप के आते हैं, वो आप लगा सकते हो, वो चीज़ें मिनिमाइज कर देते हैं। लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा सा सूट नहीं करता, क्योंकि मुझे फिर इस मिरर में देखो फिर उस मिरर में देखो, वो मैं अपना बता रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ब्लाइंड स्पॉट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगा सकते हो। ब्लाइंड स्पॉट क्या होती है, कुछ व्हीकल आपको ओवरटेक कर रहे होंगे फिर भी आपको मिरर में नहीं दिखेंगे और आपके बगल में चल रहे होंगे, ठीक है? तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो पुराने ड्राइवर होते थे, इसको अपनी तरफ झुका लेते थे इसको IRVM को, ताकि साइड का भी दिखे, ब्लाइंड स्पॉट भी मिनिमाइज़ कर लें। मैं बता देता हूँ कैसे करते थे, ऐसे, ताकि वो जो पीछे वाला कांच जो है विंडो रेयर राइट, उसमें वो उन्हें दिख जाए अगर कोई उसके साइड में। तो बट मेरा तरीका अलग है, मैं इसे रखता हूँ यहाँ एकदम बीच में, साइड का हो गया बीच का हो गया। तो ऐसे IRVMs को एडजस्ट किया जाता है, आदत डाल लो। फालतू में वीडियो को खींचने का कोई मतलब नहीं बनता। लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी ड्राइविंग सीरीज़ के अंदर ये 26th पार्ट है, 25 पार्ट आ चुके हैं, बहुत अच्छी सीरीज़ है, जाके चेकआउट कर लेना। और मैंने एफर्ट्स लगाए हैं उसके लिए, ये उम्मीद करता हूँ कि आप अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लें। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के अलावा मेरी जो ऑडियंस है, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। तो सारे लिंक वीडियोज़ के जो भी हैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी स्पीड ब्रेकर से आप कैसे उतारते हो, जो छोटी गाड़ियाँ होती है लाइक स्विफ्ट होगी, थोड़ी नीचे या टच कर जाती है, तो वो कैसे किया जाता है, कैसे उसे काउंटर करना है, तो वो चीज़ आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन थैंक यू सो मच।